हिमाचल की राजधानी शिमला पर तीसरी आंख का पहरा लग गया है। राजधानी का चप्पा चप्पा अब तीसरी आंख की निगरानी में होगा। नगर निगम शिमला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शिमला में विभिन्न जगहों पर 210 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं। इसके लिए निगम ने 71 करोड़ का प्रावधान किया है। इन कैमरों का कंट्रोल कैथ्यू पुलिस लाइन में रहेगा, जहां से शहर की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। शिमला में आने जाने वाला कोई भी व्यक्ति तीसरी आंख की पैनी नजर से नहीं बच पाएगा। सहायक पुलिस अधीक्षक शिमला रमेश शर्मा दे रहे पूरी जानकारी सुनिए। देखिए, जिस तरह से आपको पता है कि आजकल अपराध जो भी घटित हो रहे हैं उसमें अधिकतर वाहनों का प्रयोग होता है, और वाहनों की जो पकड़ के लिए जरूरी है कि हमारे सीसीटीवी कैमराज लगे, उसी के मद्देनज़र जो है शिमला ज़िले में सीसीटीवी कैमराज लगवाए जा रहे हैं, जिसमें कि लगभग 210 के करीब जो कैमराज हैं वो शिमला शहर में जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लगवाए जा रहे हैं। इनमें से 5 जो साइट्स हैं हमारी वो ITMS साइट्स भी होंगी। ITMS जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें कि जो कुछ जो वाहन चालकों द्वारा जो अवहेलना की जाती है, जिस तरह से कि तेज़ रफ्तारी है, बिना हेलमेट के है और ट्रिपल राइडिंग है, उन ऑफेंसेस को ये डिटेक्ट करता है और जिसके माध्यम से जो है उन वाहनों के चालान किए जा सकते हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि हम जो अपराधी है उस पे जो है अंकुश लगा सकें, और यदि कोई अपराधी अपराध करके वाहन लेकर भागता है तो उसको ट्रैक किया जा सके। आजकल हम देखते हैं कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी का यदि उपयोग हम करें तो अधिकतर केसेस में सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से ही हमें जो है सफलता मिलती है कि जब कोई चोरी का अपराध या कोई वाहन लेकर भागता है तो उसमें सीसीटीवी कैमरे से हमें बहुत मदद मिलती है, और यही इन कैमरों को लगाने का हमारा उद्देश्य है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ के साथ।